अगर मैं आपसे कहूं कि आप मंथ के 40 से 50,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो, इवन 1,00,000 तक अर्न कर सकते हो, क्या आप मेरी बात मानोगे? जी हाँ। देखो, अभी आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो, मेरे इस वीडियो तक आप क्यों पहुंचे हो? क्योंकि आपको लाइफ में बहुत से टारगेट हिट करने होंगे, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना होगा, बहुत कुछ बड़ा करना होगा, इसी वजह से इस वीडियो तक पहुंचे हो। देखो, अगर ऐसा नहीं है तो आप अभी मेरे इस वीडियो को क्विट कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। ओके, मैं आपको मेरा इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा सोनी है एंड आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, एंड मैं एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी में काम करती हूँ। कंपनी का नाम है लीड्स ग्रुप, एंड ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड साथ में एक एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है। अभी आपके मन में जो बेसिक क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर भी मेरे पास है। आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है? देखो, आपको एक बात बताती हूँ, अगर ये सब फ्रॉड होता तो कभी भी मैं अपना फेस पब्लिक नहीं करती। आप मेरा फेस नहीं देख पाते, सिर्फ आप मेरी वॉइस सुन पाते बट मेरा फेस नहीं देख पाते, ठीक है? बहुत से मेंबर्स बोलते हैं कि मैम हमारे इतने पैसे लॉस में हो गए, हमने यहाँ लगाए थे, वहाँ लगाए थे, बट आपको पता है आपने जहाँ भी लगाए, जिस भी मेंबर्स के साथ आपके पैसे लॉस हुए हैं, उन्होंने आपको सिर्फ कॉलिंग पे लिया होगा, चैट पे लिया होगा, बट कभी भी वीडियो कॉलिंग पे नहीं लिया। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, पब्लिक में ये मेरा वीडियो जाएगा, ठीक है? क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वो 110% रियल है, ट्रूथ है। क्या आपको पता है मैं इस कंपनी में काम क्यों कर रही हूँ, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि मुझे पता है ऑनलाइन वर्क में, ऑनलाइन बिजनेस में कितनी पावर है। ये एक्सपीरियंस मैंने लॉकडाउन में लिया था। लॉकडाउन में सभी घर पे बैठे थे, किसी के पास काम नहीं था, बट जो मेंबर ऑनलाइन काम कर रहा था उसकी सैलरी नहीं रुकी थी, सैलरी उसके अकाउंट में आ ही रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा चलो अपन भी यूज़ करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या वर्क होता है ऑनलाइन। देन मैंने इस कंपनी में काम स्टार्ट किया था। क्या आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस में कितनी पावर है? देखो, इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, आपको क्या लगता है उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी होगी, प्राइवेट जॉब करी होगी? ये नहीं, उन्होंने खुद का कुछ सेटअप किया है, खुद का कुछ क्रिएट किया है, तब जाके आज वो सक्सेसफुल बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी का तो नाम आप सभी ने सुना होगा। आपको क्या लगता है क्या उन्होंने गवर्नमेंट जॉब करी है? जी नहीं, उन्होंने खुद का कुछ किया है, खुद का कुछ क्रिएट किया है, तब जाके आज वो सक्सेसफुल बने हैं। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इंसान टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू नहीं करता वो कुछ ही नहीं कर सकता। एंड सेकेंड एग्जाम्पल गौतम अदानी जी है, और भी आपको काफी मिल जाएंगे, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल है, और भी काफी मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल है, ठीक है? उन्होंने कोई गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब नहीं करी है, उन्होंने खुद का सेटअप क्रिएट किया है, खुद का वो चाहते थे कि लाइफ में कुछ बड़ा करे, एंड उन्होंने करके दिखाया। देखो, मैंने आपको इन सभी का एग्जाम्पल क्यों दिया, मैंने आपको मुकेश अंबानी जी का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है जो चीजें अपन अभी नहीं सोच पा रहे वो चीजें उन्होंने उस टाइम पे सोच ली थी, तब जाके आदमी इतना ग्रोथ कर पाए, क्योंकि उनको पता था कि फ्यूचर कैसे होने वाला है। इवन उस टाइम पे तो फोन वगैरह की, डिजिटल मार्केटिंग इतनी ग्रोथ भी नहीं हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने इतना सोच लिया था, एंड अभी इतनी ग्रोथ हो चुकी है फिर भी अपन नहीं सोचते। अपने माइंड में सेट हो चुका है गवर्नमेंट जॉब करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है। देखो, अपन सभी के ड्रीम्स वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन पाता। जरूरतें तो हर कोई पूरा करता है, जिसके हाथ पांव नहीं होते वो भी एक टाइम दो टाइम का तो खाना खा लेता है कैसे भी करके, बट कुछ ऐसा करो जिससे दुनिया याद रखे, राइट? अभी देखो, मैं आपको कंपनी के बारे में बता देती हूँ, ठीक है? अभी कंपनी पे आती हूँ, जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। अभी देखो, ये कंपनी दो चीजों पे काम करती है, पहला तो ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड साथ में एक एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी है। देखो, ई लर्निंग क्या होता है, ये कंपनी अपन को ये चीज सिखाती है कि अपन किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल साइट्स का यूज किस तरीके से अर्निंग के लिए कर सकते हैं। देखो, अभी अपन क्या करते हैं, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, इन सभी का यूज अपन क्यों करते हैं? रील्स स्क्रॉल करने के लिए करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं, बट आपको पता है इन्हीं का यूज करके अपन अर्निंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन को ये कंपनी सिखाती है, ठीक है, सिखाती है। अभी देखो, आगे की बात करती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी भी है। अब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी है,
ठीक है, उसका प्रोडक्ट प्रमोट करने का कमीशन मिलता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करना, जैसे सपोज एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप देखते होंगे, जैसे वो विमल का ऐड करते हैं, कभी किसका ऐड करते हैं, उनका उनको कमीशन मिलता है, चाहे कितना भी मिले उनको कमीशन मिलता है उस चीज़ का। तो ये कंपनी भी उसी पे वर्क करती है। आप अपन को क्या करना रहता है, इस कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करना रहता है, प्रमोट करने का कमीशन अपन को मिलता है। अब ये प्रोडक्ट कैसा देती है वो इस पर बात करते हैं। देखो अफिलिएट मार्केटिंग दो चीज़ों पर होता है, पहला फिजिकली प्रोडक्ट एंड सेकेंड डिजिटली प्रोडक्ट। ये कंपनी कोई फिजिकली प्रोडक्ट पे नहीं है, कोई साबुन सॉप सरफ वगैरह पे नहीं है, ये डिजिटली प्रोडक्ट पे है। डिजिटली प्रोडक्ट में आपको क्या मिलते हैं, कोर्सेज मिलते हैं। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, मेरी स्क्रीन पे आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें आपको पता चलेगा कंपनी दे क्या रही है। ठीक है, कंपनी अपन को 3 कोर्सेज देती है, उसके बारे में देखो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आपको बताऊंगी। हाँ जी, देखो अभी अपन कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि ये कंपनी अपन को क्या कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। ये कंपनी अपन को 3 कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। पहला कोर्स है सिल्वर का, दूसरा कोर्स है गोल्ड का एंड तीसरा कोर्स है प्लेटिनम का। ठीक है, अगर अपन पहले सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी ये कंपनी अपन को 6 कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो उसमें पहला कोर्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। ये कंपनी अपन को सिखाती है कि अपन किस तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे सोशल साइट्स का यूज़ करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और इन काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके थ्रू अपन किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम पीपल क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, बट उनका यूज़ अर्निंग के लिए कैसे करना है ये कंपनी अपन को सिखाती है, कोर्सेज अपन को सिखाते हैं। ठीक है, दूसरा कोर्स आप देख पा रहे हो अफिलिएट मार्केटिंग का। अफिलिएट मार्केटिंग करना ये कंपनी अपन को सिखाती है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कोई भी कंपनी होती है उसका प्रोडक्ट कैसे प्रमोट करते हैं वो चीज़ें। एंड थर्ड कोर्स है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। देखो इंस्टाग्राम का यूज़ अपन क्यों करते हैं, रील्स स्क्रॉल करने के लिए, टाइम पास के लिए, जब भी टाइम पास नहीं होता इंस्टाग्राम ओपन करके बैठ जाते हैं। बट इंस्टाग्राम का यूज़ अपन अर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी अपन को कंपनी सिखाती है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम का यूज़ करती हूँ अर्निंग के लिए, ना कि टाइम पास के लिए। ठीक है, एंड आप फोर्थ कोर्स देख पा रहे हो वो है एडवांस अफिलिएट मार्केटिंग। देखो अफिलिएट मार्केटिंग का तो कोर्स है एंड साथ में एडवांस अफिलिएट मार्केटिंग करना भी ये कंपनी अपन को सिखाती है। एंड फिफ्थ कोर्स है कंटेंट क्रिएशन मास्टरी, कंटेंट क्रिएशन करना भी ये कंपनी अपन को सिखाती है। एंड सिक्स कोर्स है वीडियो एडिटिंग मास्टरी। अभी देखो वीडियो इतना अगर आपको ये पता है कि एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है, देन आप घर बैठे 20 से 25 हज़ार रुपये तो नॉर्मली ऐसे अर्न कर सकते हो। क्योंकि देखो आप YouTube पे देखते हो बहुत से प्रोफेशनल यूट्यूबर रहते हैं, आपको क्या लगता है वो अपने वीडियो खुद एडिट करते हैं, जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, क्या वो अपने वीडियो खुद एडिट करते हैं? जी नहीं, वो करवाते हैं एंड जिससे भी वो करवाते हैं उनको अच्छी खासी रकम देते हैं, अच्छी खासी सैलरी देते हैं। ठीक है, अभी देखो इसकी प्राइस करीबन 2300 रुपये के आसपास है सिल्वर की। ओके, अभी देखो दूसरे कोर्स की मैं बात करती हूँ, दूसरा कोर्स है गोल्ड का। गोल्ड में ये कंपनी अपन को कितने कोर्सेज देती है उसके बारे में बात करते हैं। गोल्ड में आप पहला कोर्स देख पा रहे हो एडवांस अफिलिएट मार्केटिंग। ये कंपनी सिखाती है, ये कोर्स अपन को सिखाते हैं कि अपन किस तरीके से एडवांस लेवल पे अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा कोर्स है सेल्स फनल मास्टरी का। सेल्स फनल मास्टरी का कोर्स भी ये कंपनी अपन को प्रोवाइड करवाती है। एंड थर्ड कोर्स है फेसबुक एड मास्टरी। अभी देखो अपन जैसे कि फेसबुक वगैरह चलाते हैं, ठीक है, पहले एड्स आते हैं, आपको पता है उन एड से भी लोग पैसा कमाते हैं, तो अपन एड कैसे रन कर सकते हैं, अपन कैसे एड चला सकते हैं, वो चीज़ें भी कंपनी अपन को सिखाती है। फोर्थ कोर्स है ईमेल मार्केटिंग। आपको पता है अपन ईमेल का यूज़ क्यों करते हैं, ज़्यादातर अपन लॉगिन करने के लिए ही करते हैं, बट ईमेल के थ्रू मार्केटिंग भी की जा सकती है, ईमेल के थ्रू अर्निंग भी की जा सकती है, वो चीज़ें भी कंपनी अपन को सिखाती है, कोर्सेज अपन को सिखाते हैं। ठीक है, फिफ्थ है फ्रीलांसिंग मास्टरी। देखो फ्रीलांसिंग क्या होता है, सपोज इट आप में कोई टैलेंट है, मेरे में कोई टैलेंट है, बट मुझे ये नहीं पता कि मैं मेरे टैलेंट से पैसा कैसे कमा सकती हूँ, उसको शो कैसे कर सकती हूँ, पब्लिक में कैसे ला सकती हूँ, तो वो चीज़ भी आपको कंपनी सिखाती है, ये कोर्स सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने टैलेंट को शो ऑफ करके उससे अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, एंड सिक्स कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग। देखो पब्लिक स्पीकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपन कहीं पर भी जाते हैं, सपोज इट अपन अगर 5 मेंबर भी खड़े रहते हैं तो उनके बीच में भी अपन बोल नहीं पाते, अपन हेजिटेशन फील करते हैं, तो अपन किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी अपन को कंपनी सिखाती है। एंड सेवन्थ है स्पोकन इंग्लिश। देखो ये कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है, ये लैंग्वेज कॉमन बन चुकी है,
क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक कंट्री में बोली जाती है, ठीक है। तो ये कंपनी अपन को ये भी सिखाती है कि एक अपन प्रोफेशनल स्पीकर कैसे बन सकते हैं इन इंग्लिश, ओके। एंड अगला कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल। अभी देखो, मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जो कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ आप मेरी बात भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें मेरे को पहले नहीं आती थी, मैंने पहले सीखी है एंड इसी कंपनी ने मुझे सिखाई है कि किस तरीके से मैं मेरा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकती हूँ, जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ मैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, ठीक है। वो चीज़ें मैंने इसमें सीखी है। एंड इस कोर्स में आपको सिल्वर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, गोल्ड में आपको सिल्वर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है एंड इसकी प्राइस है 4130, ओके। अब बात करते हैं थर्ड कोर्स की। थर्ड कोर्स है प्लेटिनम का कोर्स, ठीक है। इस प्लेटिनम के कोर्स में आपको क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फर्स्ट आप देख पा रहे हो उसमें सिल्वर एंड गोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, सिल्वर एंड गोल्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। एंड साथ में कंपनी ने एक डिजिटल इंस्टीट्यूट हायर किया है, वो जयपुर का इंस्टीट्यूट है। वो अपन को लाइव डिजिटल मार्केटिंग करना सिखाता है, लाइव एडवांस लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग करना सिखाता है। एंड सेकेंड, बिजनेस कॉपीराइट करना सिखाता है कि किस तरीके से अपन बिजनेस कॉपीराइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसकी प्राइस है 9997 रुपये। अभी देखो, इनकी मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हाई है, 25,000 के आसपास है। बट वही आप यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ऐसा नहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अभी देखो, आप मुझसे पूछोगे कि इन सभी कोर्स को करने के लिए क्या हमको पेमेंट देना होगा? जी हाँ, पेमेंट लगेगा, बट न के इक्वल है, उतना ही लगेगा जितने में आप अपनी ड्रेस बाई कर सकते हो। अगर आप सिल्वर से स्टार्ट करते हो, सिल्वर का कोर्स बाई करते हो, तो उसके लिए 2,300 रुपये आपको देने रहते हैं, मतलब 2,300 रुपये, ओके। अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको 4,130, मतलब 4,130 रुपये। अगर आप प्लेटिनम से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए करीबन 9,997, मतलब 9,997 रुपये के आसपास आपको देने रहते हैं। अभी आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही नहीं सकते। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल बताती हूँ, सपोज इट, अगर आप एक दुकान पे काम करते हो, नॉर्मल से दुकान पे काम करते हो, ठीक है, आपको पता आप कभी भी निकाले जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया। जो दुकान का मालिक है उसने पहले दुकान बनाई है, दुकान में कुछ डाला है, तब जाके आज वो मालिक बना है। अभी वो अपनी दुकान को कैसे भी चला सकता है, कैसे भी हैंडल कर सकता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट जरूरी है, चाहे वो कहीं पे भी हो। अभी आप हमें बोलोगे कि आगे करना क्या होता है, कोर्स बाय करने के बाद क्या करना होता है। देखो, सिंपली आपको कोई भी एक कोर्स से पहले स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी, एंड देन इन्हीं कोर्स को आपको प्रमोट करना रहता है। प्रमोट कैसे करना है, वो आप जिसके थ्रू भी ज्वाइन करते हो उनके द्वारा आपको सिखाया जाता है। आपकी 11 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जब आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद में आपकी 11 दिन की ट्रेनिंग रहती है, उसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको एक कोर्स प्रमोट करना है। देखो, सपोज इट, अगर आपने एक महीने में प्लेटिनम सॉरी मतलब गोल्ड पे स्टार्ट करते हैं, अगर आपने 10 कोर्स में प्रमोट कर दिए गोल्ड के, एक गोल्ड पे आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है 27 रुपये का, देन 10 पे कितना हो गया, आप पे डिपेंड करता है आप कितना कर पाते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने 10 भी प्रमोट कर दिए तो डायरेक्ट आपके कमीशन मिलता है 27,000 रुपये डायरेक्ट कमीशन, ठीक है। अगर आप प्लेटिनम को प्रमोट करते हो, सपोज एक प्लेटिनम कोर्स में आपको डायरेक्ट कमीशन मिलता है करीबन 7,000 के आसपास, 10 पे कितना हो गया, डायरेक्ट 70,000 रुपये। एक और बात बताती हूँ, इंडिया की पहली कंपनी ऐसी है जो 90% का रिटर्न देती है, पहली कंपनी। एंड सेम डे पे अमाउंट, आज आप जितना काम करोगे आज शाम को आपको अमाउंट मिल जाएगा। मंथली का वेट नहीं करना होता, वीकली का वेट नहीं करना होता, और क्या चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने भी जब स्टार्ट किया है सोच समझ के तो किया होगा, ऐसे तो नहीं किया होगा, ठीक है। मैं भी चाहती हूँ कोई ऑफलाइन वर्क कर लेती, कुछ कहीं भी लग जाती, कोई शोरूम वोरूम में कहीं भी लग जाती, बट नहीं, कुछ बड़ा अचीव करना था, दैट्स व्हाई मैंने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अभी आप बोलोगे, अभी आपके भी और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। देखो, अगर आप रियल में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, देन आप स्टार्ट करो, क्योंकि अगर इतने से अमाउंट में आपकी लाइफ सेट हो रही है, देन बड़ा अमाउंट होगा, देन बिल्कुल भी बड़ा अमाउंट होगा। क्योंकि देखो, अगर अपन बात करें इन्जॉयमेंट की, देन अपन क्या करते हैं इन्जॉयमेंट के लिए, तुरंत रेडी, चलो भाई चलते हैं, इन्जॉयमेंट करके आते हैं, मूवी देख के आते हैं। लेकिन जब बात आती है फ्यूचर की, अपन कल पे छोड़ देते हैं, चल कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी तो काफ़ी लाइफ पड़ी है,
ऐसे करते करते पूरी लाइफ निकल जाती है। आगे जाके रिग्रेट फील होता है कि काश उस टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो आज तक लाइफ अभी तक लाइफ सेट हो जाती है। इसीलिए राइट टाइम है कि स्टार्ट करो, क्योंकि मैं भी आप ही की एज की हूँ, मैंने भी स्टार्ट किया है, तो आप सोच सकते हैं। अभी देखो मैं आपको थोड़े बहुत अर्निंग प्रूफ दिखा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो वीडियो पहले से काफ़ी लंबा बन चुका है, मैं और ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करना चाहती। जैसे कि जिसके थ्रू मैंने स्टार्ट किया है, उन मैम का नाम है साक्षी, यहाँ की नहीं यूपी साइड की है, एंड उनकी एज अभी वो 17 साल की भी नहीं हुई है, और विद इन 17 की एज में उन्होंने 3 लाख प्लस हिट किया है, 3 लाख से प्लस उन्होंने अर्न किए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा है देन आप इसको लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो, ठीक है? एंड अच्छा नहीं लगा देन डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके गाइस, नाइस टू टॉक टू यू।